एक तरफ लेबनान से हिजबुल्ला इसराइल में भयंकर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है, तो दूसरी तरफ गाजा में हमास और इजरायली बलों के बीच खूनी संघर्ष का खेल बदस्तूर जारी है। गाजा के अलग अलग हिस्से में फैले लड़ाके इजरायली बलों पर चौतरफा हमले कर रहे हैं। हमास के प्रतिरोधी गुट कई हिस्सों में अलग अलग तो कई एक साथ मिलकर इजरायली बलों पर हमलावर हैं। गाजा के चक्रव्यूह में इजरायली सैनिक बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं। एक साल के बाद भी आईडीएफ के लिए गाजा एक अबूझ पहेली बना हुआ है। यही वजह है कि गाजा में हमास का इजरायली सेनाओं के साथ लगातार टकराव जारी है। खास तौर पर उत्तरी गाजा में जबालिया रिफ्यूजी कैंप में आर पार की लड़ाई जारी है। हाल ही में हमास ने दावा किया कि लंबे संघर्ष के चलते इजरायली सैनिकों की ताकत कमजोर पड़ती जा रही है, सैनिक जंग के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। इससे इजरायल को अलग अलग मोर्चों पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमास की मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड ने सफातवी जंक्शन के पास एक इजरायली मरकावा टैंक को निशाना बनाया है। इस हमले में शवाज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल किया गया। समूह ने दावा किया कि लड़ाकों ने शिविर के केंद्र में यासीन 105 एंटी टैंक आरपीजी से एक और मरकावा टैंक को निशाना बनाया है। इसके अलावा जबालिया के पूर्वी हिस्से में ब्रिगेड ने मोर्टर गोलों से इजरायली असेंबली पॉइंट पर हमला किया। हमास ने हमले के दावे की पुष्टि के लिए एक वीडियो भी जारी किया है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद की मिलिट्री विंग अलकुस ब्रिगेड ने एस्केलॉन और गाजा में कई बस्तियों में मौजूद इजरायली जवानों पर रॉकेटों की बरसात की है। अल कासिम ब्रिगेड ने जबालिया के पश्चिम में एक घर पर घात लगाकर हमले को अंजाम दिया। इस दौरान 15 इजरायली सैनिकों के समूह पर शक्तिशाली विस्फोटक उपकरण से विस्फोट किया गया। इससे कई जवानों के घायल होने का दावा भी किया गया है। इससे पहले राफा के पूर्व में एक इजरायली इंजीनियरिंग यूनिट पर बारूद से हमला किया गया। इसके अलावा अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड ने अलकुस ब्रिगेड के साथ मिलकर इजरायली जवानों पर 60 एमएम मोर्टर गोलों से बमबारी की है। इजरायली मीडिया ने भी इन इलाकों की ओर से गाजा से रॉकेटों की बौछार की पुष्टि की है। अलकुस ब्रिगेड के सैन्य मीडिया ने आपके सिर हमसे दूर नहीं, हम देख रहे हैं लिखकर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें लड़ाकों को अलग अलग ठिकानों से इजरायल के पैदल सैनिकों पर सटीक निशाना साधते हुए दिखाया गया है। लड़ाके घात लगाकर इजरायली बलों पर हावी होते नजर आ रहे हैं। इमारतों से लेकर टैंक में तैनात जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें गिरते हुए दिखाया गया है। वहीं पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन की मिलिट्री विंग अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड भी इजरायली बलों पर काल बनकर टूटी। समूह ने फिलिस्तीनियों और लेबनानी लोगों की रक्षा के लिए इजरायली सैनिकों पर धावा बोला। लड़ाकों ने सेंट्रल गाजा पट्टी के दक्षिण पूर्व में किसुफिम के इजरायली मिलिट्री साइट पर रॉकेटों की बौछार कर जबरदस्त तबाही मचाने का दावा किया है। इतना ही नहीं, हमास के लड़ाकों ने अलकुस ब्रिगेड और अल कासिम ब्रिगेड और उमर अल कासिम फोर्सेस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम देने का दावा किया है।
इसमें लड़ाकों ने मिलकर जबालिया के पूर्व में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के पास कोहराम मचाया। इजरायली सैनिकों और वाहनों के जमावड़े पर जोरदार हमला किया। समूह ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है। इसमें कई तोपखाने के गोलों के बीच हिजबुल्ला के पूर्व चीफ हसन नसरल्ला और कई बड़े कमांडरों की तस्वीर दिख रही है। इसके बाद लड़ाके एक के बाद एक इजरायली बलों को निशाना बनाते हुए तगड़े हमले करते हैं। वहीं अल नासर सलाह अल दीन ब्रिगेड ने गाजा के दक्षिण पश्चिम में नेटजरीम एक्सिस में इजरायली कमांड और कंट्रोल पोस्ट पर 107 mm के रॉकेट दागे हैं। इस दौरान कई इजरायली जवानों के हताहत होने की खबर भी सामने आई है। दावा है कि इजरायली सेना ने भी ताजा हमलों में कई जवानों के नुकसान पहुंचने की पुष्टि की है। प्रतिरोध के लड़ाके लगातार गाजा के अलग अलग कोनों में इजरायली सैनिकों को पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं।